देखिए आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का पर्व है, रात का वक्त है। आपको बता दें तमाम जो मंदिर है वो सज के तैयार हो गए हैं, मंदिरों में झांकियां जो है लग चुकी हैं। कहा जाए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी है, जिस भी मंदिर में आप जाएंगे तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी। रेवाड़ी के जितने भी मंदिर है अलग अलग तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, कहीं कान्हा का झूला दिखाया गया है, कहीं बैलून के अंदर जो कान्हा को दिखाया गया है, ठाकुर जी की प्रतिमा कहीं लगाई गई है, अलग अलग तरीके से कहा जाए रेवाड़ी के हर एक मंदिर को सजाया गया है, मंदिरों में सजावट की गई है, कान्हा की मूर्ति को सजाया गया है, राधा के झूले डाले गए हैं। तो तमाम मंदिरों में जितने भी श्रद्धालु कहा जाए तमाम रात भर 12 बजे तक इसी तरीके से चलेगा और 12 बजे फिर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम एक एक मंदिर के आपको दृश्य दिखाएंगे, रेवाड़ी में अनेकों मंदिर है, चाहे घंटेश्वर मंदिर है, चाहे सोलराही मंदिर है, चाहे 12 हजारी का मंदिर है, चाहे भाड़ावास रोड पर मंदिर हो, चाहे अनाज मंडी के अंदर मंदिर हो, एक एक मंदिरों में जो है सजावट जोरदार तरीके से सजावट की गई है, सुंदर सुंदर सजावट, वहां बैलून लाइटिंग की गई है, तमाम मंदिरों को जो है अच्छे से सजाया गया है, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ भी आपको बताएं अच्छी खासी आप देख सकते हैं। तमाम मंदिर आपको दिखाई देंगे किस तरीके से मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ रही है दर्शन करने के लिए, कि हर एक झांकी को वो बारीकी से देखे और कान्हा के कहीं ना कहीं दर्शन करे, राधा के दर्शन करें और देखें राधा कृष्ण के झूले, माखन की मटकी जिस तरीके से लगाई गई। आपको बताया सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि स्कूलों के अंदर किस तरीके से जो जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया, बच्चे छोटी छोटी ड्रेसों में आए थे, वही नजारा अब रात को आपको देखने को मिल रहा है। तो हम आपको बार बार दिखा रहे तमाम मंदिरों के दर्शन, देखिए आप किस तरीके से लोग यहाँ श्रद्धालु तमाम मंदिरों में, जो एक एक मंदिर है चाहे घंटेश्वर मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, तमाम मंदिरों में श्रद्धालु आपको देखने को मिलेगी और मंदिरों की सजावट को लोग बड़ी गहनता से और बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, प्रतिमाएं सजी उनको देख रहे हैं। तो कहा जाए अब रात को 12 बजे तक ये मंदिर की सजावट रहेगी और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा, उसके बाद कान्हा की आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद लोग घर जाके अपना जो व्रत किया हुआ है उसको खोलेगी महिलाएं चन्ना मात्र प्रसाद के साथ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।